बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बार बार समझाने पर भी बात नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस एक सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मंझौला का है, जहां तत्कालीन थाना प्रभारी डीके शर्मा ने कमरुद्दीन नामक युवक को एक युवती से छेड़छाड़ के मामले में जेल ना भेजने की शर्त पर 50,000 रुपए की डिमांड कर डाली है। इतना ही नहीं, जब कमरुद्दीन ने अपने एक परिचित को थाना प्रभारी डीके शर्मा से मामले की जानकारी लेने के लिए मंझौला थाने भेजा, तो थाना प्रभारी अपना आपा खो बैठे, जिसके बाद रिश्तेदार के सामने ही थानेदार साहब ने कमरुद्दीन को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दी। इस पर भी जब उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने कमरुद्दीन को फोन करके 50,000 रुपए तक की डिमांड कर डाली, जिसके बाद पीड़ित कमरुद्दीन ने अपनी व थानाध्यक्ष की बातचीत के ऑडियो को सार्वजनिक कर दिया। वहीं दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी मुरादाबाद ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है एसएसपी मुरादाबाद, आइए जानते हैं इस मामले पर क्या है उनकी प्रतिक्रिया। हेलो, एसएसपी मुरादाबाद साहब, रंजीत सिंह राठौर बात कर रहा हूँ भाई साहब, केकेडी न्यूज लखनऊ से। ये आपका एक थाना मंझौला पड़ता है जी, यहाँ पे थाना अध्यक्ष निवर्तमान साहब थे डीके शर्मा जी। जी, तो ये कमरुद्दीन नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनको ये कुछ पैसे की मांग कर रहे थे उनसे, तो जहाँ तक अभी तो हमें जो जानकारी मिली उसमें इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है आपके द्वारा। जी सर, क्या प्रकरण था ये पूरा सर बता दीजिए। प्रकरण जो था कल गाली गलौज की भाषा में जी एक ऑडियो था, उसी आपत्तिजनक भाषा पे इनको किया गया है, बाकी जाँच की गई है जी, प्रारंभिक जाँच कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इसकी जाँच कर रहे हैं। कोई मुकदमा कमरुद्दीन का नहीं है, कमरुद्दीन का एक वीडियो भी आया हुआ है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया पैसे का, लेकिन ऑडियो में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि भाषा बड़ी अभद्र थी जो रिकॉर्डिंग है जी, तो दैट वाज अनबिकमिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर जी, इस तरह की भाषा में बात कर रहे थे, इस वजह से उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया, बाकी प्रकरण की जाँच की जा रही है। सर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन कानून व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, ऐसे में एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे थाना अध्यक्ष का इस प्रकार से गाली गलौज करना कहाँ तक आपकी नजर होगी? देखिए, किसी का भी गाली गलौज करना किसी भी दशा में कभी भी उचित नहीं है, इसीलिए तत्काल कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर किया गया है जी। और जितने भी लोग हैं उनके लिए कड़ा संदेश है, जो भी इस तरह की भाषा और इस तरह का व्यवहार करेगा जी, उसके साथ बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वही क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने इस मामले पर? सर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासन और कानून व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है लगातार ऐसे कृत्य करते चली आ रही है, जिससे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का मान गिर ही रहा है लगातार। सर, एक अभी ताजा मामला मुरादाबाद के थाना क्षेत्र मंझौला का है, जहाँ पर वहाँ के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने एक व्यक्ति से 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की, रिश्वत ना देने पर उसको जेल में से एक धमकी दी और उसे घर पे लोग आना जाना शुरू हो गया, पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसका एक ऑडियो वायरल हो गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौजूदा वर्तमान एसएसपी ने आरोपित थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है, क्या कहना चाहिए सर कांग्रेस को कहते थे? देखिए, इस चीज़ को मैं हमेशा कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन तो सच ये है कि उन वादों पे कितना खरे उतरते हैं ये देखने की बात है। जब से योगी जी की सरकार बनी है, शपथ लिए हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, चाहे वो स्लॉटर हाउस को बिना सोचे समझे बंद करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक वर्ग के लोग आहत हैं और सड़कों पे हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, उसी दूसरी ओर एंटी रोमियो चला करके जिस तरीके से हमारे युवक युवतियों को सरे आम सड़क पे लोगों के सामने बेइज्जत करने का पुलिस काम कर रही है अपना नंबर बढ़ाने के लिए, और इसी तरीके से बहुत सारी जगह पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और कुछ नेताओं के भाजपा के नेताओं के नज़रों में चढ़ने के लिए इस तरीके से कारनामे कर रहे हैं।
आज निश्चित तौर पर जो मुरादाबाद में जो आपने बताया जो एक घटना हुई है, एक थाना अध्यक्ष के द्वारा एक नागरिक को प्रताड़ित करने का और पैसे मांगने का, इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा किया जाए वो कम है। मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि आप बड़े बयानबाज मत बनिए। प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए आप जो उत्तर प्रदेश में इस समय नकल माफियाओं का राज चल रहा है, दवा माफियाओं और जो ये जांच की जो सारी जो खासकर डायग्नोस्टिक सेंटर्स और डॉक्टरों का जो नेक्सस चल रहा है, जिस तरीके से खटतौली और मुनाफाखोरी और शराब माफियाओं का जो जाल बिछा हुआ है, उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं, इधर कब आपका संज्ञान होगा? और जिस तरीके से बेसिक शिक्षा स्कूलों में हमने आज भी देवा रोड के 4 स्कूलों का खुद मैं स्वतः दौरा करके आया हूँ, जहाँ 7 टीचर हैं, वहाँ पे मौके पे 10 बजे के समय मात्र 2 टीचर हैं। जब मैंने पूछा एक नागरिक के तौर पे ये टीचर इतने कहाँ हैं, तो कहते हैं वो तो साहब कभी कभी साल में एक आध बार आते हैं। तो इधर इनको ध्यान देना चाहिए, ये केवल उन्हीं कामों के ओर विशेष ध्यान ना दें जिससे सामाजिक समरसता बिगड़ती है, जिसमें हिंदू और मुसलमान करके केवल लोगों के भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि योगी जी को इतनी जल्दी 2019 के चुनाव का है कि हमें तो लग रहा है जब से वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं केवल इलेक्शन मोड में दिखते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, आप उस जनता के सेवा के लिए शपथ लिए हैं, आपने संविधान का शपथ लिया है, इस गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए, इस समरसता को बनाए रखने के लिए, कहीं किसी की भावना आहत ना हो, इस ओर दिशा देना चाहिए। क्योंकि संविधान का शपथ जो है, जो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, वो सर्वधर्म संभाव की प्रस्तावना है। गंगा जमुनी किसी भी समाज के किसी भी जो है जात धर्म मजहब संप्रदाय की भावनाएं आहत ना हो। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतने कड़े शब्दों के बाद से पुलिस नहीं सुधर रही है? देखिए, जब गुनाह करने वाले किसी पार्टी विशेष से जुड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर चाहे जितना बड़ा नेता क्यों ना हो, कार्रवाई करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक राजधर्म जो कहता है, राजधर्म ये कहता है कि गुनाहगार गुनाहगार होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी जात धर्म मजहब संप्रदाय का हो, यदि वो गुनाह करता है, यदि वो अपराध करता है, तो शासन को, सरकार को कानून सम्मत उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। वो चाहे जितना ताकतवर क्यों ना हो, फिर उसको किसी भी जात धर्म से मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। यह मामला प्रकाश में आने के बाद क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, मुरादाबाद में थाना मधोरा पड़ता है, जहाँ पर डीके शर्मा नाम की थानाध्यक्ष थे, वहाँ पर वो एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग करने को लिया, उसका ऑडियो वायरल हो चुका था। मामले की जानकारी मिलते ही तत्कालीन एस एस पी महोदय ने उनको जो है सर लाइन हाजिर कर दिया है। तो सर, लगातार इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही, जहाँ पुलिसकर्मी लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही कहा था कि और बीजेपी जी कानून खर्च करेंगे, कानून व्यवस्था मतलब बनाए रखेंगे। इस तरह से बावजूद इसके भी अभी तक लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पुलिस उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्तारी कराने में क्या कहना है? पिछली सरकारों में अपराध और अपराधियों को जिस तरह से संरक्षण रहा है, उसके कारण उत्तर प्रदेश में नौकरशाही की कार्य संस्कृति भी प्रदूषित रही है। सरकार उत्तर प्रदेश में बदली है, कार्य संस्कृति में भी बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें पटरी पर आएंगी, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी जो सरकार का चेहरा खराब करने का काम करते हैं, निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून पारदर्शिता के साथ, सुप्रमेसी के साथ अपना काम करेगा। किसी भी अपराधी के साथ अपराधी जैसा सलूक होगा, उसको किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा। और विशेष करके नौकरशाही से जुड़े हुए लोग, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग, जिन पर उत्तरदायित्व है उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा की और सरकार के दायित्व जो प्राथमिकताएँ हैं उनको लागू कराने की, अगर उनकी तरह से अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी, तो
तो सरकार उनके प्रति भी कोई नरम रूप नहीं रखेगी, पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगी। क्या लगता है आपको एसएसपी महोदय ने महज लाइन हाजिर करके अपनी खानापूर्ति कर दी, कार्रवाई के लिए काफी? प्रकरण अगर है तो प्रकरण की जांच होगी और जांच के बाद जो भी सम्यक दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। जांच में दोषी पाए जाने पर एसएसपी मुरादाबाद ने आरोपी थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट तपन रंजन के साथ रंजीत सिंह राठौर, केकेटी न्यूज।